Kom. Kusse af. Eller okay. Lad det virke, Ulaug. Lad det virke, Ulaug. Okay. Nu er det. Hoved. 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 नहीं नहीं पेड़ों की लगी पकड़ो यार पकड़ो अरे जल्दी करो इसको बांधो इसको बांधना पड़ेगा साथ कुछ जल्दी ये देखो उसकी चूड़ी ओड़ी पहन ली है इसने यार चलो भाई खोलो यार अरे पता नहीं गई अरे बात सुन भैया चलो भैया पकड़ो यार देख देख कुछ भी कर ले मैं गाड़ दूंगा सुन मैं गाड़ दूंगा शादी ले जा इधर खुल जा ये मौसम लग कर ले हम छोड़ दूंगा सुन मेरी लोकेशन यही हाँ यही बताई थी ये जैसे पेड़ होंगे सामने होंगे पेड़ तो ही आ गए सर हाँ पेड़ सारे आ गए और थोड़ा आगे जाके शायद उन्होंने बताया था आसपास की ही लोकेशन है शायद आगे जाके थोड़ी मिट्टी आएगी और रास्ते बताएं तीन रास्ते बताएं तीन रास्ते उस तरफ लाइट दिखाना लाइट टी पॉइंट लाइट दिखाना पूरा पूरा है दीपक जी ये रास्ता ये रहा नहीं रास्ता जा रहा है उन्होंने बोला था कि जैसे आप चलोगे ना तो क्या टी पॉइंट बनेगा टी पॉइंट टी मतलब एक रास्ता यूं जा रहा है एक यूं जा रहा है एक बड़ा रास्ता यूं जा रहा है ठीक है तो उन्होंने बताया जैसे टी पॉइंट पर आप पहुंचोगे ना तो बड़े वाले रास्ते जैसे चलोगे तो दूसरा पहला है पहला पहला ही बोला ना पहले पहला जैसे मेन बैग ना पहला दूसरा तीसरा तीसरा जो चौड़ा रास्ता होगा ना बिल्कुल नहीं पेड़ उन्होंने अपन जैसे बड़े वाले पेड़ पहला पेड़ पहला पेड़ पहला पेड़ पहला पेड़ पहला पेड़ आप सही कह रहे हो लेकिन पहले ये तो देखो कि रास्ता वही है या कौन सा वही है लोकेशन वही है भाई अपन जिस हिसाब से आए जहां तक उन्होंने अपन को लोकेशन दी गई ना पेड़ तो यही है नहीं पेड़ बोला बड़ा पेड़ है और बजरी वाला रास्ता चालू हो जाएगा क्योंकि यहाँ से सारे पेड़ वेड़ थे बड़े चलो चलते देखते तो अब पब्लिक को बताएं कि अपन किस जगह हैं किस जगह नहीं आए दीपक भैया पब्लिक को बताएं कि अपन किस जगह हैं अपन किस कारण आए हैं किस कारण वश नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका क्रेजी फॉर क्रिएटर्स के अंदर तो दोस्तों आज हम लोग जो आए हैं एक खोज के अंदर जो कि एक प्रेत आत्मा है जो यहां पर दफनाई गई है अंदर की तरफ एक उसके अंदर जिसका नाम है कामाक्षी तो कामाक्षी को ढूंढने के लिए हम लोग यहां पर आए हैं और उसको मुक्ति दिलाने के हिसाब से आए हैं यहां पर तो गाइस आज तक की हमारी वीडियो में सबसे लंबी जर्नी यही है और जहाँ दीपक जी बता रहे हैं कि हमारे जो भी एक शैतानी आत्मा एक औरत की आत्मा थी जो आए दिन लोगों को परेशान करती थी उसको कैसे भी मतलब करके उसको मारा गया है और उसको बांध के एक कलश के अंदर मिट्टी में के अंदर दफना किया गया तो वहाँ तक कि हमें लोकेशन मिल गई किसी के अनुसार कि कहाँ दफनाया गया है तो शायद हम ढूंढते हैं कि कलश है अगर आपने इसको निकाल लिया तो शायद वो आपके ऊपर हानि भी पहुंच सकती है और ये शायद उसको मुक्ति मिल सकती है तो गाइस उसी लोकेशन में पहुंच के हम देखते हैं कलश हमें मिलता है यही कर रहे हैं अपन कि भाई जैसे उन्होंने बताया था कि भाई वो उसको जलाया ना दफनाया बस उसकी आत्मा को लेके काबू करके उस कलश में आपको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे पहले लोकेशन में चलते हैं कलश को निकालते हैं और देखते हैं कि अगर उसको मुक्ति मिलती है ये क्या होता है और शायद उन्होंने बोला है कि आपके ऊपर हानि भी पहुंच सकती है कुछ नोट हुआ और हल्की सी लग रहा था कुछ हवा टाइप ऐसा कुछ लग रहा था उस टाइम साथ लेना पहले जरूर चलते हैं चलते यार रास्ता यही है कौन सा वो भी सही है रास्ता यही है तो दोस्तों आओ चलो आप सबके सब आओ देखो भैया कुछ नहीं वो कुछ खोदने के लिए है क्या हाँ वो पेड़ काटने के लिए भैया
हाँ पेड़ काटने के ले लो यार, वैसे भी धार होना जरूरी। कौन सा रास्ता है भैया, ये तो आगे जा रहा है, नहीं तो चौराया आ गया। नहीं चौराया नहीं है, नहीं वो ही है, एक दो ये बंद है रास्ता, ये रास्ता नहीं है। एक ये रहा, एक ये रहा, और एक मेरे पीछे की साइड में आगे भी हो सकता है, हो सकता है, देखते हैं। चौड़ा रास्ता बोला उसने, चौड़ा तो मिल रहा है, चौड़ा रास्ता बोला है, बोला बजरी का है और चौड़ा रास्ता है। तनु से आगे भी भैया, आगे भी हो सकता है। तनु इधर आ जा, देखो हाँ आके देख लो, तो आओ पहला दूसरा तीसरा, ये इसके अंदर भी जा रहा है एक रास्ता, यहाँ तो पेड़ भी चले के अंदर। नहीं ये नहीं है, इस साइड का ही लग रहा है। देखो भैया एक बार, देखो सर इधर देखो, एक बार चल के आते इधर भी देखो, किस तरफ, इस साइड ये बड़ा वाला जो चौड़ा वाला होता है ना, ये तो अकड़ा हो रहा है। नहीं सही कह रहा रतन भैया, ये रास्ता सीधा ही जा रहा है, यहाँ रास्ता नहीं है, जंगल ही है, जंगल ही है ये वाला, इस पे चलते अपन। इस पे आओ, इस पे सही कह रहे हो भैया, ये सीधा ही जा रहा है, सीधा जा रहा है, इस पे आओ भैया। आदमी जैसा लग रहा है पेड़ तो, ये देखो खड़ा हो, चले लोकेशन तो वही मिल रही है, आदमी जैसा बताया, हाँ रास्ता चौड़ा है, ले रखा है, ये रास्ता ये भी है, ये भी है, लेकिन है ना उन्होंने कहा बालू मिट्टी जैसा चौड़ा रास्ता बताइए भैया, ये देखो रास्ता ये भी है, ऐसी नहीं है, हम चल के देख लेते हैं ना, क्या क्योंकि ये सीधा रास्ता देखो रतन भाई, यहाँ से ये भी जा रहा है, लेकिन बात तो ये है ना यार, किराया बोला ना, पेड़ तीन रास्ते निकलेंगे, इधर ये भी पेड़ है, हाँ यार ये भी पेड़ ही है, लेकिन ये तो राउंड हो गया ना रतन भैया, अच्छा भाई ये सीधा है, और सीधे में भाई ये राउंड हो गया, हाँ यू घूम गए वापस, यूं ही आ गए यार भैया, वही है, वही है सिलेंडर भैया जा रहे हैं, है सिलेंडर, हाँ वही वही, हाँ सीधा यही है क्या, यही है, देखते थे चलो, हाँ, देखते थे लेफ्ट हैंड पे जो पेड़ है, हाँ भाई देखने से पता तो चलेगा ना, घूमना पड़ेगा इसको, का ये क्या है पहला दीपक जी, भाई ध्यान रखना जानवर की आवाज आई है, तो भैया नहीं एक बार आप देखो ना, एक मिनट एक मिनट, कानू उधर दिखाना, पहला पेड़ देखने दे, ये अपन ये आए सीधा, ये लेफ्ट राइट सीधा, सीधा आने के बाद एक बार यहाँ लगा के देखो ना यार भैया, भैया लेकिन पेड़ बोला उसने कि ये पेड़ रोड पे ना, नहीं पे पहला पेड़ भाई, उसने बोला उल्टे हाथ पे पहला पेड़ आएगा सीधे पे, अरे बोला था मतलब वैसे बिल्कुल रोड से हटता भाई बोला था, सुनो ये वाले पेड़ है मानो, अभी मेरी बात इस जगह ही खोदे, एक बार शायद खोदा था ही अपन को, 10 पेड़ खोदे 12 पेड़ खोदे, लेकिन शायद खोदते देखते हैं किस्मत की बात है अपनी, हाँ हाँ खोदते देखो ना, लो भैया एक बार देखना यार, भैया इस जगह भी हो सकता है यार, 100% लग रहा है, देखो पेड़ तो वही है, है रास्ता तो सही हो यार, रास्ता ये लग रहा है मेरे को, नहीं रास्ता तो ये लग रहा है तू कह रहा है, लेकिन अब ये भिड़ने को तो ये पहला पेड़ ये भी हो सकता है छोटा सा, तो ये नहीं, ये नहीं बोला कि बड़ा है छोटा, ये नहीं बोला, बोला पेड़ है पहला, रहते मेरे साथ दीपक भैया, अब पेड़ ढूंढो और कानू और तुम पेड़ ढूंढो, हम एक ही जगह गड्ढा खोदते हैं, देखते हैं क्या शायद किसको मिल जाए, ऐसा कर सुन, ऐसा कर, या तो फिर मैं तेरे साथ खोदता हूँ, दीपक जी और रतन भैया को जान दे, ठीक है ठीक है, दीपक भैया हो गए, दिक्कत तो नहीं होगी, नहीं दिक्कत तो क्या है भाई, देखो सब देखो एक सा, अगर सब एक जगह ढूंढोगे तो ऐसा सुबह हो जाएगी, ऐसे तो सुबह हो जाएगी भैया, चलो ठीक है, कितना कितना बड़ा है भाई, और कानू और आप अंदर हो भैया, मोबाइल टॉर्च चला के रखना, और लेकिन सुनो रतन भैया सेफ्टी से ज्यादा इधर उधर, हाँ है ना, और अगर कुछ मिलता भैया तो हानि, हाँ सुनो छेड़ना मत यार, फिर तो भैया एक साथ रह के खोदे अपने यार, नहीं भैया नहीं, अगर मिल जाता है ना तो उसको छेड़ना मत, अच्छा पहले छेड़ो मत, अगर जहाँ मिल जाता सब पहले इकट्ठे होना, ठीक है क्या, हाँ फिर डिसाइड करेंगे, जैसे आपके पास मिल जाता आप आवाज लगाना, हाँ, अगर हवा निकला हम लगाते हैं, अगर आपका उधर अपनी तरफ अपन देखें एक बार, उस पेड़ सुनो, आप ये टॉर्च ले जाओ, कालू हमारे साथ है, आप ये बड़ी टॉर्च ले जाओ, चंदा ला दे इधर, दे वो खोदता हूँ, ये वाला रास्ता सही चेक कर लेंगे एक बार, अंदर की तरफ
ये बहुत कितना खुदेंगे। लुया हट जा सागर, हट जा। तो तू उस साइड कर, पेड़ की सीध में लेने क्या क्या करें? पेड़ की सीध लेते हैं, है का ना? सुन सुन सागर सुन, यहाँ पे लेते नहीं, यहाँ से ले, इस सीध में, अब सीध तो पूरा ही है, इसलिए कुछ हवा हवा जैसी आवाज आ रही है इस टाइप की। यार इसके आगे वाला तो कोई रास्ता नहीं था ना अपने पास? नहीं नहीं, नहीं, नहीं भाई, आस पास ही खोदो भैया, पेड़ों के पास में बस। जल्दी करो यार, सब हट जा, बाहर टाले इन धारे कानू जानवर के। हाँ भाई, तू आसपास ही ध्यान रखते रहना। कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, ये इधर की तरफ पेड़ है। हाँ हाँ, माँ खोद के मैं इधर ट्राई कर रहा हूँ, रतन भाई इधर ट्राई कर रहे हैं और ठीक है इस तरफ देख रहे हैं। ठीक, अरे गड्ढा तो करूँगा, कुछ लाइन ही क्या अपन यार। रुक 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 रुक, ठीक है बाटा बाटा बढ़िया पतली ला गया, तो ढाक रहा हूँ ये यार, ऐसे तो खोदेगी ना हंसी खोलो। देखो भैया देखो उधर क्या हुआ, कोई सा पेड़ पेड़ के नीचे खोद के देखो एक बार, वही खोद रहे पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे यहाँ पे नहीं सही बोल रहे क्या? नहीं मैं उनको कह रहा हूँ, मैंने पेड़ के पास ही खोदा। खोदो यार, उनको बोलो यार अपन को फुल पूछ आज नहीं करनी, क्या अपन को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता ना किस जगह, उन्होंने बोला खाली पेड़ के पास है, पास और सामने इधर ही बोला। पहले से खोद, हाँ दीजिए ठीक है, कुछ मिला क्या भैया? दीपक भैया कुछ मिला क्या? कुछ दिखा क्या भैया? नहीं, आप लोगों को अरे कुछ दिखा क्या आपको? क्या है ये भटक रहा है? चट्टान है, जंगल भी घना है, जानवर का ध्यान रखना। कम लाइट दिखाए कौन? अरे तो बड़ा कर दो, कुछ दिया भाटे नहीं मिले यार। नहीं हो सकता क्योंकि उसको कैद कर रखा ना मटके में, तो हो सकता गहरे गहरे में खोदो। नहीं भैया नहीं मिला अभी तक कुछ। नहीं भैया ये वाटा देना, आप पेड़ के पास खोदो, पेड़ के पास ही बताया उन्होंने, है ना? इधर ही ना, चल इधर इधर देख एक बार, ये देख रहा हूं मैं, खोदते रहो खोदते रहो। कानू उधर भी लाइट दिखा दे मेरे भाई, मुकद्दर में जाओ उधर भी दिखा, उधर भी दिखा, तेरा फोन चला। हां मेरा फोन चालू कर रहा हूं। अरे कानू उधर भी देखना। हां भैया कानू कुछ भी कलर मिल रहा, हाथ लगा देना उनको। पेड़ तो यहां पे भी है, तरफ भी पेड़ है, पेड़ के पास ही खोदो भैया, कहीं उन्होंने कहा पेड़ के पास ही है, पेड़ के पास है। अभी तो उधर तो खोद जमीन है यार, इधर ये बूढ़ा तो उन्होंने क्या एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई ना। देखो भैया एक मिनट आओ यार, यहां ये पेड़ के पास ही है। नहीं जी तो खोद रहे हैं। हाँ सही, हाँ इस मिट्टी को उठाओगे यहाँ खोद। कुछ मिला क्या दीपक भैया? हाँ जगह, हाँ जगह तो पोली है, एक बात है यहाँ पर भी नहीं मिला पोली जैसे। फिर तो भैया फोन की टॉर्च ऑन कर लो, मैं वो दीपक के पास जाके आता हूँ। हाँ दीपक भैया आ जा। क्या कुछ मिला क्या? ये तो ठोस है यहाँ पे, ये तो ठोस है, नहीं इधर नहीं होगा। अरे जाता मेरे को लग रहा है ना, हाँ। वो पेड़ वही है शैलेंद्र भैया खोद रहे, क्योंकि तीन रास्ते उल्टा हाथ पे है ना, वही है पेड़ पड़ रहा है मेरे, क्योंकि तीन रास्ते बड़ा सही है जा रहा। हाँ अच्छा अच्छा मिला क्या ये भैया? जल्दी जल्दी जल्दी, क्या हुआ क्या हुआ? कुछ है यार, इसका हाथ मत लगाना यार, निकाल लेंगे इसको। नहीं पहले अपन इसे लकड़ी से इससे देखेंगे, ये लकड़ी लो क्या है, लाल क्या है, क्या चीज़ है,
जो उन्होंने बताई वही चीज है क्या? निकाल के देख लो एक बार एक बार निकालो हाँ निकालो कलश नारियल में कैद तो नहीं है नारियल के ऊपर भैंस के नीचे कुछ है किधर ये रहा। से निकालो बाहर अभी किसी की लच्छा कर रहे हो इतना डरो मत नहीं अगर भाई ऐसे कुछ हुआ तो पहले अपन थोड़ा सा आवाज आ रही है खोद उसको जा कहाँ है भैया ये उसके अगर कुछ हाथ से निकाल लो ऐसे भी कलश के अंदर ही यार हाथ से निकालने के बाद एक मिनट भैया एक मिनट रुक जाओ ये देखो एक मिनट रुक जाओ तो हनुमान चालीसा पढ़ी थी भैया अच्छा पढ़ी थी कि यार हनुमान चालीसा पढ़ो यार यार लगता है आज वो भी कर रही है रखता हूँ मैं हमेशा निकाल मोबाइल में नहीं है नहीं थोड़ी बहुत याद होगी ना नेट नहीं चल रहा भैया ये नेट ही तो बंद है भैया नेटवर्क आ नहीं रहा फोन के अंदर जय श्री राम जय हनुमान जी जय पूरा निकाल दे पूरा ध्यान से संभल के सागर निकालो संभल के निकालना यार पेड़ों की झाड़ी वाड़ी लगी हुई इसमें पूरी अरे पेड़ों की जड़ आ गई इसमें ये वही है यार जैसे उन्होंने बताया ना ध्यान से उधर रख दे अभी काफी टाइम से गड़ा हुआ है ये जड़ आ गई इसमें पेड़ों की ये गड़ा हुआ है बहुत टाइम से ये अंदर पेड़ की जड़ है ये सारी जड़ आ चुकी इसकी